जब भी चुनाव आते हैं वंशवाद पर बहस जरूर छिड़ती है। जब वंशवाद की बात हो तो सबसे पहले गांधी परिवार पर उंगलियां उठती है, लेकिन असल में कोई भी दल वंशवाद से अछूता नहीं है। राजनीति की जड़ों तक फैली वंशवाद की बेल हर दल में बढ़ रही है। नेतागण अपने परिवार को स्थापित करने में जुटे हैं। वो दल जो हमेशा वंशवाद के विरोध में रहे हैं वो भी अब इस फहरिस्त का हिस्सा बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत का परचम लहराने में अहम भूमिका अदा की और अब लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करने में ये जुटे हुए हैं। नौकरशाही में कामयाब सफर पूरा करने के बाद पुनिया ने अपने पैर राजनीति में भी स्थापित किए और सफल भी हुए हैं। अब उनके बेटे तनुज पुनिया लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में डेब्यू करने जा रहे हैं। बाराबंकी की सुरक्षित सीट जिससे पुनिया भी सांसद रह चुके हैं, उसी सीट से तनुज पुनिया चुनावी मैदान में दमखम दिखाएंगे। पीएल पुनिया ने नौकरशाही का सफल सफर पूरा करके सियासत की राह चुनी है। कांग्रेस का दामन थामा और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर बाराबंकी की फतेहपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। पार्टी का भरोसा कामयाब रहा और 2009 में दोबारा पार्टी ने बाराबंकी सीट से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए रन में उतारा। हालांकि इस बार पुनिया ने पार्टी को निराश नहीं किया और जीत हासिल की। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर में पुनिया जीत ना सके तब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। उधर पिता पीएल पुनिया को पार्टी ने अन्य राज्यों का दायित्व सौंपा तो बेटे तनुज पुनिया लगातार बाराबंकी में सक्रिय रहे। नतीजन 2019 के रन में बाराबंकी से उन्हें टिकट मिल गया। इतिहास दोहराने की उम्मीद के साथ तनुज पुनिया का नाम भी वंशवाद की वेल से जुड़ गया। सोनेलाल पटेल ने अपना दल को बनाया, हालांकि उनके निधन के बाद सियासी विरासत में मची खींचतान में पार्टी को दो खेमों में बांट दिया, जहां उनकी बेटी और अपना दल का नेतृत्व कर रही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर को दोबारा फतह करने की तैयारी से लोकसभा चुनाव के दंगल में कूदी हैं, जबकि दूसरे खेमे का नेतृत्व कर रही सोनेलाल की पत्नी कृष्णा पटेल हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है और अब वो गोंडा सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी के पति और उनके दामाद पंकज निरंजन सिंह चंदेल कांग्रेस की टिकट पर फूलपुर संसदीय सीट से चुनावी दंगल में उतरे हैं। मधुमिता हत्याकांड से हर कोई परिचित होगा। यहाँ बात पूर्व विधायक अमर मणि त्रिपाठी की हो रही है, जो पत्नी संग सजा काट रहे हैं। अमर मणि के बाद उनके बेटे अमर मणि त्रिपाठी पिता की नौतनवा सीट से विधायक चुने गए। जब पिछले चुनाव में बेटा अमर मणि अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहे थे तो बहन तनुश्री त्रिपाठी ने प्रचार की कमान संभाल ली। इस बार शिपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तनुश्री को पहले कांग्रेस ने भी टिकट दे दिया था, हालांकि कुछ ही घंटों में पार्टी ने उनका टिकट काटकर पूर्व सांसद स्वर्गीय हर्षवर्धन की बेटी सुप्रिया को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये पहला मौका है जब दो राजनीतिक परिवारों की बेटियां तनुश्री और सुप्रिया सिंह खुद को साबित करने के लिए मैदान में उतरी हैं। मिश्रक लोकसभा सीट भी वंशवाद की वेल की जीती जागती उदाहरण है। मिश्रक और राही परिवार का गहरा रिश्ता यहाँ पे रहा है। यहाँ बाद बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही की हो रही है। रामलाल राही ने सीट से जीतकर चार बार लोकसभा का सफर तय किया और यहाँ की हर गांव सीट से दो बार विधायक भी रहे। इस सीट से 1996 में इनके बड़े बेटे रमेश राही ने सपा की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज कराई। छोटा बेटा इसी सीट से बीजेपी विधायक है। अब बड़े बेटे की पत्नी मंजरी राही कांग्रेस के टिकट पर मिश्रित से चुनावी मैदान में उतरी हैं।